الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال الله تبارك وتعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا ترض الفساد فإن الله لا يحب المفسدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد فريضة الله تعالى وقال عليه الصلاة والسلام من عمل في سنة من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائق دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم حضرات علماء کرام مسجد کمیٹی کے پریسیڈنٹ سیکریٹری وائس پریسیڈنٹ کیشیئر اور کمیٹی کے دیگر حضرات میرے نوجوان ساتھیوں بھائیوں بزرگوں دوستوں اور میرے پیارے بچوں سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے بیچ مجھے پہنچایا اور دین کی نسبت پر ایک ساتھ بیٹھنے کی اور کچھ دین کی بات دین کے موضوعات پر آپس میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں آپ حضرات واقعتاً بڑے مبارک بادی کے مستحق ہیں دو اعتبار سے ایک تو سامنے کرنا اچھا نہیں آپ کے جو امام صاحب دامت برکاتہم ہیں آج سے تقریباً 5 سال پہلے جہاں پہلے یہ امام تھے کریم گنج کے کالی گنج میں وہاں میرا جانا ہوا تھا اور ان کی مسجد میں بہت لمبی گفتگو اور بیان کا موقع ملا تھا اور ان کی ایکٹیویٹیز کو ان کے کاموں کو میں نے قریب سے دیکھا اللہ تعالیٰ نے جذبہ بھی دیا ہے اور نیکی کے کام کرنے کا شوق بھی دیا ہے پتہ نہیں وہاں سے یہاں کیوں آئے آپ حضرات کی کشش ہے کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر اتنا دور آئے اور آپ حضرات بھی تو اکثر و بیشتر ہم وطن ہیں ایک ہی جگہ کے ہیں تو اس پر آپ حضرات امام صاحب کو خالی مت رہنے دیجیے کام لیجیے
खूब काम भी किए और खुसूसन दीनी मिजाज कैसे पैदा हो आइंदा आने वाली नस्ल के अंदर, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं और हम और आप जो मौजूद है, अगर हमारे अंदर दीन के मामले में कुछ कोताही है तो ये कोताहियां कैसे दूर होंगी। खास तौर पे मकतब का निज़ाम मजबूत कीजिए और दावत और तबलीग के काम के साथ हत्तल इम्कान हर कोई जुड़ने की कोशिश कीजिए। और इसके लिए मैं इमाम साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि जब आप इन हजरात के बीच में आ गए हैं तो अब जिस तरह आप वहाँ काम करते थे, वहाँ तो और भी बहुत सारे उलमा थे, यहाँ नागालैंड के इस शहर में हो सकता है कि दो चार आलिम और हों, लेकिन बहरहाल करीमगंज के तरह उलमा की कसरत यहाँ नहीं होगी। लिहाजा इमाम साहब आप बहुत ही सवाब के मुस्तहिक होंगे, आप अगर यहाँ कुछ इनकलाब ला सकते हैं, दीनी मिजाज दीनी माहौल पैदा कर सकते हैं। हम सब दुआ करते हैं अल्लाह आपको हिम्मत अता फरमाए। बड़े अच्छे लोग हैं, मुखलिस हजरात हैं, आपको भी यहाँ मज़ा आ रहा होगा और मजीद मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। मुबारकबादी की दूसरी वजह यह है कि ये जो पूरा मजमा है, यकीनन आप में से किसी का अपना जाती मकान यहाँ नहीं है। नागालैंड है, नगर जगह में गया हूँ, जानता हूँ, लेकिन आपने अपने मकान की फिक्र नहीं की और अल्लाह के घर की फिक्र की। आपने, आपके बाप दादा ने, जो हजरात या तो बाकी हैं, जिंदा हैं या दुनिया से चले गए, आप सभी हजरात ने मस्जिद को इतना खूबसूरत और ढंग से बनाया है, इसका निज़ाम और इसका सिस्टम इतना अच्छा रखा है, इस पर भी मैं आप हजरात को दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ। लेकिन मेरे भाइयों, मस्जिद की जो खुराक है वो नमाजी है, मुसल्ली है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, शायर मशरिक कहा जाता था उनको, अपने ज़माने में एक शेर कहा था, मस्जिद तो बना ली सब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। शौक आया, जज्बा आया, अल्लाह की तौफीक मिली, अल्हम्दुलिल्लाह चंदा हुआ, जैसे भी हुआ जोश भी आया, बेहतरीन मस्जिद आनन फानन बन गई। लेकिन हमारा हाल, क्योंकि गुनाहों में लिप्त, गुनाह और पाप के काम में पड़े हुए हैं, लिहाजा मस्जिद बनने से पहले जैसे हमको मस्जिद से ताल्लुक नहीं था, नमाज के लिए हम मस्जिद नहीं आते थे, मस्जिद बनने के बाद भी हम नमाजी नहीं बन सके, तो गोया के ये हमारा सिर्फ जोश है, दिखावा है, रियाकारी है। मैं ये नहीं कहता कि आप हजरात नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बहरहाल और जगहों पर जो देखा जाता है कि खुसूसन मुसलमान मस्जिद से, नमाज से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, याद रखिए कि मस्जिद बन जाने के बाद अगर हम और आप मस्जिद को खुराक नहीं देंगे, हम मस्जिद को आबाद नहीं करेंगे,
तो यही मस्जिद हमारे लिए बद्दुआ करेगी। दूर नहीं आसाम में एक मशहूर जगह है, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मोइरा बाड़ी। आज से 10-12 साल पहले एक पीर भी वहां निकला था और पूरे नॉर्थ ईस्ट से लोग इलाज उलाज के लिए वहां जाते थे। हो सकता है आप में से भी कोई गए हो। तो मोइरा बाड़ी बाजार की जो मस्जिद है, अभी जो मदरसे की मस्जिद है गारे हिरा, जब ये मस्जिद नई नई बनी थी तो बाजार की मस्जिद थी। जोहर असर मगरिब में लोग होते थे, ऐशा में चंद हजरा और फजर में तो इमाम मुअज्जिन शायद कभी कोई हो जाए, वरना कोई नहीं। वहां एक साहब है अलहाद फुरकान साहब, बड़े नेक आदमी है और हजरत बासकंदी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी खिदमत उस शख्स ने की है। वो जिंदा है, कोई जाकर पूछ सकता है। वहां के लोगों ने रात के वक्त मस्जिद की तरफ से औरत के रोने की आवाज सुनी। एक दिन आवाज आई, दूसरे दिन फिर आवाज आ रही है। तो कुछ नौजवान लोग टॉर्च लेकर, लालटेन उस जमाने में चलता था, लेकर और गए मस्जिद की तरफ कि यहाँ कौन औरत है जो रो रही है, कौन लेडीज है जो यहाँ रो रही है, उस पर क्या मुसीबत आई जो रो रही है। गए, जाकर बहुत तलाश किया, कोई नहीं मिला। लौट कर वापस आ गए। फिर दूसरे दिन रात में औरत के रोने की आवाज, लोग जाते थे तलाश करते थे, कोई नहीं मिलता था। परेशान लोग कि ये क्या हो गया, क्या माजरा है, क्यों ऐसा हो रहा है। बाद में कुछ हजरात वहां से सफर करके बासकंदी गए, हजरत शेख अहमद अली रहमतुल्ला अलैह के यहाँ। बड़े बुजुर्ग थे, जिन्होंने देखा वो ज्यादा जानते हैं, बहुत अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। उनको दावत दी, हजरत वहां से मोइरा बाड़ी तशरीफ लाए और यहां आकर अल्लाह वाले लोग होते हैं, अल्लाह ताला उनके दिल में बहुत मर्तबा ऐसी बात डाल देता है जो हम और आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। हजरत ने मुरातबा किया या जो भी हो, बहरहाल हजरत ने बेसाख्ता ये कहा कि देखो ये किसी औरत के रोने की आवाज नहीं है, ये कोई औरत और कोई लेडीज नहीं रोती है, बल्कि आप लोगों ने जो वो मस्जिद बनाई है ऐशा में और फजर में, बिल्कुल मस्जिद में नमाजी नहीं होते हैं, वो मस्जिद रोती है और वो मस्जिद को अल्लाह औरत की आवाज देता है, उस आवाज में वो रोती है और गोया के एक तरह से फरियाद करती है कि अल्लाह ये कैसे मुसलमान है, इन लोगों ने इतना पैसा खर्चा करके मुझको तामीर किया, आपके घर को बनाया, लेकिन ये मुझको मेरा खुराक नहीं दे रहे हैं। हजरत बासकंदी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से चले गए। हाजी फुरकान साहब अभी भी वाकयात है, कभी आप लोग जाएं पूछें। बाद में ऐशा में फजर में बाजाबता लोग जाते थे, नमाज पढ़ते थे, मस्जिद को आबाद किया, औरत के रोने की आवाज भी बंद हो गई। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के वास्ते मस्जिद को आबाद करने की फिक्र कीजिए। अगर 10-20 आते हैं तो कम से कम उसका डबल होना चाहिए, उसका ट्रिपल होना चाहिए। एक सफ है तो 2 सफ कैसे होगी नमाजी की तादाद, 3 सफ में हम लोग कैसे होंगे। नहीं तो एक बात और बता दूं, मुझे याद आ गई, हमारे हुजाई कॉलेज के प्रोफेसर थे, रिटायर कर गए 2-3 साल पहले, प्रोफेसर रशीद अहमद साहब, वो भी हुजाई में हैं। उन्होंने बतलाया कि वो साउथ गए थे, चेन्नई की तरफ कहीं गए थे, तो बतलाया कि रात में खास तौर पे फजर के वक्त, अल्लाह न करे कि कभी यहां हो या किसी और मस्जिद में ऐसा कुछ हो, फजर के वक्त कुछ गैर मुस्लिम नौजवान
मस्जिद के आसपास आकर झांक झांक कर देखते हैं, इस मस्जिद में उस मस्जिद में। प्रोफेसर साहब ने कहा कि मुझे हैरत हुई कि ये नौजवान बच्चे क्यों इस तरह से मस्जिद में आकर झांकते हैं। बाद में जब तहकीक किया तो पता चला कि वो लोग ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि इतनी बड़ी मस्जिद, इतनी बड़ी जगह इन लोगों ने कब्जा किया है और सिर्फ 3-4 आदमी नमाज पढ़ने वाले होते हैं, उसके बाद यहां तो माइक से अजान नहीं है, बाकी जगहों पे माइक से अजान, फजर के वक्त माइक से अजान देते हैं, लोगों के नींद में खलल पड़ता है। मामूली 4-5 आदमी के लिए हजारों लोगों की नींद को खराब करना वो लोग जैसा समझते हैं, हम और आप तो मुसलमान हैं, हम तो ये समझते हैं कि अजान वाकईतन रहमत है और हकीकतन रहमत है, लेकिन वो तो कोई मुसलमान नहीं है। लिहाजा वो लोग ये तहकीक और ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, आइंदा चल के ना जाने किस तरह से वो केस करेंगे, मुकदमा करेंगे और मुसलमानों पर कैसी मुसीबत आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत मस्जिद है, इतनी अच्छी मस्जिद है, आप हजरात मस्जिद को नमाज से आबाद कीजिए, फायदा होगा। एक फायदा मैं आप लोगों को ऐसा बतला दूं, शायद कभी सुना होगा वरना नहीं सुना होगा। आज से तकरीबन 5-6 साल पहले, भाई मैं कोई वाइज नहीं हूं कि गा गा कर मैं आपको वाज करूं, बस कुछ हदीस कुरान की बातें बदला दूंगा, अल्लाह ताला हमको आपको अमल की तौफीक दे दे। तो 4-5 साल पहले मैंने एक बात एक किताब में या किसी ने व्हाट्सएप में शेयर किया था, मैंने पढ़ा था, लेकिन उसका मुझको रेफरेंस और हवाला नहीं मिला तो मैं ये बात बयान नहीं करता था। पिछले साल एक बहुत बड़े बुजुर्ग है, अभी 1.5 घंटा पहले इमाम साहब ने उस बुजुर्ग का नाम भी लिया, पीर जुल्फकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातहुम, अगरचे वो हिंदुस्तान के नहीं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हैं, तो उन्होंने उस बात को बयान किया, लेकिन फिर भी मुझे दिल में शक शुबा था, पता नहीं ये बात कहां तक सही है नहीं है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इन साल रमजान से पहले मैं दुबई गया हुआ था मदरसे के काम से, वहां मुझे पता चला कि वो पीर साहब बुजुर्ग साहब पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं और वो दुबई में अभी है। मैंने गुजरात के एक साथी से कहा कि मौलाना ये हाजी साहब पीर साहब से मिलना है, तो कहा बहुत अच्छी बात, मुझे भी मिलने की ख्वाहिश है। बहरहाल हम लोग मिलने के लिए गए, जाकर मैंने उनसे डायरेक्ट पूछा कि हजरत एक बात जो आपकी तकरीर में मुझे मिली, मैंने इससे पहले भी पढ़ा था लेकिन मुझे इसका रेफरेंस और हवाला नहीं मिला था, तो मैं बयान नहीं करता था, दूसरों को बतलाता नहीं था, मगर आपने इस बात को बयान किया तो क्या ये वाकईतन सही है, और अगर सही है तो मैं भी बयान कर सकता हूँ, आपकी तरफ से इजाजत हो जाए। तो हजरत ने फरमाया कि मौलाना साहब बिल्कुल ये सही है और आप बयान कर सकते हैं। वो बात क्या है, वो बात ये है मेरे नौजवान साथियों, ध्यान से सुनिएगा, बम्बई खास तौर पे बम्बई चले जाइए जहां मुस्लिम महल्ला मुस्लिम आबादी है, जोहर असर में हो सकता है कि नमाजी की तादाद कम हो, लेकिन फजर के वक्त शायद ही कोई ऐसी मस्जिद होगी कि जो फुल ना हो जाती हो, ये बम्बई का हाल में बतला रहा हूं, कई एक मस्जिदों में मैंने वहां देखा। तो हजरत ने यह फरमाया है कि जो शख्स, ध्यान से सुनिएगा अमल की नीयत से, जो शख्स जो मुसलमान फजर की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा, फजर की नमाज से पहले जो 2 रकात है, फजर की 2 रकात सुन्नत घर में पढ़े और बाद में फर्ज नमाज मस्जिद में जाकर पढ़े, तो उसको 3 फायदे हासिल होंगे, 3 लाभ उनको मिलेगा। नंबर 1, पहला फायदा यह है कि आम तौर पे तकरीबन हर घर के अंदर कुछ न कुछ फैमिली मैटर होता है और आपस में खींचा तानी, भाई भाई का झगड़ा,
बाप बेटे का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, ननद भाभी का झगड़ा, कुछ न कुछ हर घर में ये फितना फसाद लड़ाई झगड़ा लगा रहता है। हजरत ने फरमाया कि जो शख्स ये अमल करेगा, दो रकात फजर की दो रकात सुन्नत अपने घर में पढ़े, फर्ज मस्जिद में आकर पढ़े, पहला फायदा ये मिलेगा कि उनके घर का ये फितना फसाद कजिया लड़ाई झगड़ा इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, आम तौर पर लोग माली तंगी माली परेशानी की शिकायत करते हैं कि खास तौर पे लॉकडाउन के बाद तिजारत खत्म, व्यवसाय का कोई अता पता ही नहीं है, इनकम का सोर्स भी खत्म होता जा रहा है। हजरत ने फरमाया कि जो शख्स ये आदत बना ले, जो मैंने बतलाया फजर की दो रकात सुन्नत घर में और उसके बाद फर्ज मस्जिद में आकर जो इसकी आदत बना ले, अल्लाह उनके कारोबार में उनके रिस्क में बरकत अता फरमाएगा। और जिसको आपकी जबान में खाने पीने का ओभाव करते हैं तंगी, अल्लाह ताला रिस्क की तंगी को दूर करेगा। कितने फायदे हुए? दो। तीसरा फायदा इन दोनों से बढ़कर है और जिसके लिए हम लोग रात दिन मौका मिलता है दुआ करते हैं, आलिम उलमा को दुआ के लिए करते हैं, वो फायदा क्या है? हर आदमी ये चाहता है, चाहे वो शराबी हो कबाबी हो, एक नंबर का वो क्यों ना पापी और गुनहगार फासिक को फाजिर हो, लेकिन मुसलमान है तो वो जरूर इसकी तमन्ना रखता है कि या अल्लाह मरने से पहले जबान से कलमे तय्यबा मेरी जबान से निकल जाए, मैं कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए ऐ अल्लाह मुझे इस दुनिया से उठाइएगा। हर मुसलमान इसकी तमन्ना करता है। हजरत ने फरमाया कि जो ये अमल करेगा, जो शख्स ये अमल करेगा उसको मौत के वक्त यकीनन कलमा नसीब होगा। और मौत के वक्त कलमा नसीब होने का मतलब है, हदीस में आया मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना। मरने के वक्त अगर कलमा जबान से निकल जाता है, कलमा शहादत और कलमे तय्यबा पढ़ते हुए अगर हमारी और आपकी या किसी भी मुसलमान की रूह निकलती है तो यकीनन सीधा जन्नत जाएगा, जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मस्जिद के सिलसिले में बात आई थी, मेरे जहन में बात आई, इसलिए मैंने आप लोगों को बतला दिया। पहली बात का खुलासा ये निकला कि इंशाअल्लाह जहां तक हो सके, जहां तक हो सके, ठंडी का सीजन हो, गर्मी का जमाना हो, बरसात का मौसम हो, हत्तल इम्कान हम लोग अपनी नमाज मस्जिद में आकर अदा करेंगे। नंबर एक। नंबर दो, आप हजरात आसाम के कोने कोने से, बिहार यूपी के मुख्तलिफ जिलों से और दूसरे स्टेट के भी हमारे मुसलमान भाई हो सकते हैं, होंगे, आप हजरात यहां क्यों आए हैं? यकीनन इसलिए कि हलाल रोजी हमको मिल जाए, हलाल रोजी हमको मिल जाए। वरना अगर हराम कमाना होता तो अपने घर बारी, अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार को छोड़कर यहां नहीं आते। अल्लाह ने हाथ दिया है, पॉकेट मारी कर लेते, चोरी कर लेते, कुछ भी कर लेते, लेकिन यह सब करना नहीं था। हलाल कमाना है, हलाल रोजी हासिल करना है, इसलिए हम और आप हजरात अपने वतन को छोड़कर कोई 400 500 किलोमीटर, कोई 1000 2000 किलोमीटर दूर यहां आए। मेरे नौजवान साथियों, याद रखिए कि ये जो जज्बा है ये बड़ा ही नेक जज्बा है, इसलिए कि मैंने अभी बतलाया कि माल कमाने का एक तरीका वो भी है जो मैंने कहा अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, माल कमाने का एक तरीका ये भी है कि हम हाथ में एक प्लेट ले लें,
इसी हाथ को बांध ले, गोड़ को बांध, पैर को बांध ले और अपने आप को लूला लंगड़ा जाहिर कर दे और जाकर भीख मांग ले। भीख मांग कर भी खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया, यहां आया। क्यों? इसलिए कि आप लोगों को यकीनन मालूम है कि भीख मांगना ये कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा जुर्म है। एक सहाबी थे, अंसारी सहाबी थे मदीने के अंदर, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, इसको खोल दीजिए, एक अंसारी सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं और आकर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरी हालत बहुत खराब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मफलूकुल हाल हूं, मेरे घर में कुछ नहीं, आप मेरी मदद कीजिए, आप मुझको कुछ दे दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे घर में कोई सामान नहीं है? का एक चादर है, चादर का दो टुकड़ा कर लिया हूं, एक नीचे बांधता हूं, एक ऊपर ओढ़ लेता हूं, उसी चादर को सोने के वक्त बदन पर डाल लेता हूं, और कुछ नहीं है। का घर में कोई ना कोई तो सामान होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। कहा जी, एक छोटा सा प्याला है, कटोरी जिसको बोलते हैं, छोटा सा प्याला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ वो प्याला लेकर आओ। वो लेकर आए और आपने उस प्याला को बेचा। कैसे बेचा? अरबी का लफ्ज है बई मई यजीद, बई मई यजीद का मतलब है नीलाम किया। जैसे मस्जिद में कोई फ्रूट घर में होता है, मस्जिद में पहुंचा देते हैं, सरकारी डाक इतना उतना करके बेचते हैं ना, 10 रुपया, कोई 15 रुपया, फिर कोई 20 रुपया, इसी का नाम है बई मई यजीद, उर्दू में इसको नीलाम बोलते हैं। तो कहा कि कौन इस प्याली को खरीदेगा? किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, इस तरीके से 2 दिरहम में वो प्याला फरोख्त हुआ। उस जमाने में दिरहम चलता था, चांदी के सिक्के को, चांदी के करेंसी को दिरहम कहा जाता था और सोने की जो करेंसी थी उसको दीनार कहा जाता था। पूरी दुनिया में उस जमाने में 2 ही करेंसी चलती थी, एक रोम इटली की करेंसी थी, वो चांदी की करेंसी थी जिसको दिरहम बोला जाता था, और एक फारस ईरान की करेंसी थी, वो दीनार, उसको सोने से बनाया जाता था, सोने का सिक्का, सोने की करेंसी। बहरहाल तो 2 दिरहम में प्याले को बेचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 2 दिरहम तुम लो, 1 दिरहम में खाने पीने का कुछ सामान लेके आओ अपने घर के लिए, और 1 दिरहम में एक कुल्हाड़ी लेकर आओ। हमारे सिलेटी भाई कुल्हाड़ बोलते हैं, लकड़ी फाड़ने वाला, तो कुल्हाड़ी लेकर आओ। अच्छी बात है, लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो कुल्हाड़ी थी उसमें डंडा जो लगता है, जिसको आप लोग बादा बोलते हैं शायद, वो अपने हाथ से लगाया, अपने हाथ से डंडा लगाया। और मेरे नौजवानों, देखो कितनी नसीहत की बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये कुल्हाड़ी लो और जंगल चले जाओ, जंगल में जाकर लकड़ी काटो, मार्केट में लाकर उसको सेल करो, और 15 दिन तक मेरे पास तुमको आने की जरूरत नहीं है। वक्त हो जाए मस्जिद में आकर नमाज पढ़ लो, मुझसे मिलकर मेरे पास बैठकर वक्त को तुम बर्बाद मत करना, बल्कि 15 दिन तक तुम काम करते रहो, काम करते रहो। 15 दिन तक उन्होंने जंगल में जाकर लकड़ी काटा, आकर लाकर उसको सेल किया, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में वो पहुंचते हैं, सलाम करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सीने से लगाया और पूछा कि 15 दिन में तुमने कितना कमाया? तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह, 15 दिन में मैंने 10 दिरहम कमाया, 10 दिरहम कमाया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, हादा खैरुल्लक मिन अन तजी अल मसअलतु नुक्ततन अला वजहिका यौमल कियामा। ऐ मेरे सहाबी, ऐ मेरे साथी, अगर तुम भीख मांगते, अगर तुम भीख मांग कर खाते, कयामत के दिन हर भिखारी की पेशानी पर एक निशान होगी, एक स्पॉट होगा, एक दाग होगा, दूर से देखकर लोग पहचान लेंगे कि दुनिया में ये भीख मांगता था, ये शख्स भिखारी था, भीख मांग कर खाता था, देखकर लोग दुनिया में ये कयामत के दिन दूर से देखकर लोग पहचान लेंगे। तुमने भीख नहीं मांगा, तुमने अपने हाथ से लकड़ी काटा, सेल किया, अब कयामत के दिन तुम्हारी पेशानी पर भीख मांगने वाले का स्पॉट और दाग नहीं होगा, तुम्हारा ये काम करना उससे ज्यादा बेहतर है। एक सहाबी थे हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके वालिद उहद की लड़ाई में शहीद हो गए, और यही वो सहाबी है, अभी मैंने दो रोज पहले इब्न माजा शरीफ में एक हदीस पढ़ाई के जब उनके वालिद की शहादत हुई, शहीद हो गए युद्ध में, वो मारे गए, तो हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक भाई थे और उनकी गालिबन सात बहन थी एक भाई। अब वालिद का साया सर से उठ गया, बहुत फिक्रमंद थे, मुरझाए हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाबिर, तुम इतना मुरझाया हुआ क्यों रहता है, इतनी ज्यादा फिक्र तुम पर क्यों लाहिक है? ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद साहब मेरे लिए सहारा थे, दुनिया से चले गए, अब सात बहनें हैं, उन बहनों की किफालत करना, उनके लिए हर चीज का इंतजाम करना अब मेरे जिम्मे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाबिर, मैं तुमको बताऊं तुम्हारे वालिद की जो शहादत हुई, अल्लाह के यहां उनको कितना ऊंचा मर्तबा मिला? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे वालिद को सामने बुलाया और सामने बुलाकर तुम्हारे वालिद से पूछा, तमन्नी, ऐ अब्दुल्लाह, अगर तुम्हारी कोई तमन्ना है, कोई इच्छा और ख्वाहिश है, तो तुम तमन्ना करो, इच्छा करो, तुम्हारी इच्छा को पूरा किया जाएगा। ऐ जाबिर, तुम्हारे वालिद ने क्या कहा सुनो। वालिद ने कहा, ऐ अल्लाह, मेरी कोई तमन्ना नहीं, मेरी अगर तमन्ना है तो बस इतनी है कि मुझको फिर जिंदा किया जाए, दुनिया में भेजा जाए, फिर मैं युद्ध में जाऊंगा, युद्ध करते करते फिर मैं शहीद हो जाऊंगा। शहादत, इतना बड़ा ऊंचा मकाम। तो यही हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु है। वालिद की शहादत के बाद अब घर को संभालना, बहनों के लिए खाने पीने का इंतजाम करना, वो खुद गैर शादी शुदा थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, सारी बहनों के लिए इंतजाम करना अब उनके जिम्मे। पहले तो कभी काम नहीं किया था, आज के लैंग्वेज में बाप के होटल में खा रहे थे, तो अब वो जूता सिलाई का काम करने लगे, मोची का काम करने लगे। चंद दिन गुजरने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ बढ़ाया, मुसाफा किया। जब मुसाफा किया तो हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हथेली आग टाइट और सख्त मालूम हुई। कहा, जाबिर, आज से कुछ रोज पहले तुम्हारी हथेली तो इतनी सख्त नहीं थी, अब ये इतनी टाइट क्यों हो गई? मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आप हजरात अपने हाथ से कमा रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं, ना जाने कब कब क्या क्या काम करना पड़ता है, कितनी परेशानी होती है। हो सकता है कि आपके घर में एक भाई है, उनकी हथेली बहुत नरम मुलायम है, और आप काम करने की वजह से आपकी हथेली टाइट हो गई हो। सुनिए इस हदीस को और अपने ऊपर रश्क कीजिए, खुशी मनाइए कि कितनी बड़ी बशारत है आप हजरात के लिए। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिद की शहादत हो गई, घर में बहने हैं, अब सारा काम हमको करना पड़ता है, मैं मोची का काम करता हूँ, जूते की सिलाई का काम करता हूँ,
اے اللہ کے رسول وہ جو میں سلائی کرتا ہوں میری انگلی میں چپ جاتی ہے, بلڈنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس لیے میری ہتھیلی ٹائٹ ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہتھیلی کو پکڑا, چما دیا, بوسا دیا اور کہا یا جابر ہادا یدن لا تمسہ النار ابدا, اے جابر میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس ہاتھ سے تم کام کرتے ہو, کام کرنے کی وجہ سے تمہاری ہتھیلی تاریک ہو گئی, خدا کی قسم تمہاری ہتھیلی کبھی جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے جدوں میں گئے, مدینے کی ذمہ داری حضرت معاذ کو دے کر گئے, اب ذمہ داری سنبھالنا ہے اور اپنے گھر کی ضرورت کو بھی پورا کرنا ہے, تو وہ کیا کرتے, پورا دن ذمہ داری کو سنبھالتے, کچھ وقت نکال کر جنگل میں چلے جاتے, لکڑیاں کاٹ کر لاتے, بیچتے. کبھی انہوں نے کلہاڑی نہیں چلائی تھی, کلہاڑی چلانے کے کارن لکڑی پھاڑنے کی وجہ سے ان کی ہتھیلی بھی ٹائٹ ہو گئی تھی, بے نہیں. اسی طرح کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے جدوں سے واپس آئے اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے مصافحہ کیا, تو آپ نے ان کو بھی وہی بات وہی کہا جو حضرت جابر سے, کہ معاذ تمہارا ہاتھ, تمہاری ہتھیلی تو اتنی ٹائٹ اور اتنی سخت نہیں تھی, یہ تمہارا کیا ہو گیا. انہوں نے اپنا پورا گھٹنا اور پوری بات بتلائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو بھی پکڑا اور پکڑ کر یہی فرمایا, چما دیا, بوسا دیا اور کہا ہادا یدن لا تمسہ النار ابدا, اے معاذ تمہارے ہاتھ کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, بڑے مبارکبادی کے مستحق ہیں آپ حضرات کہ آپ اپنے ہاتھ سے حلال کمائی کر رہے ہیں, حلال روزی کے لیے آپ یہاں آئے ہیں, اپنے محنت کی کمائی آپ اپنی زندگی میں اور اپنے شریر پر خرچ کر رہے ہیں, اسی سے اپنے گھر کی ضرورت پوری کرتے ہیں, ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں, ضرورت پڑنے پر مسجد مدرسے میں بھی دان خیرات کرتے ہیں, اپنے بچوں کی تعلیم وغیرہ کے لیے بھی وہیں سے خرچ نکالتے ہیں. اسلام میں مال کمانے کے اور بھی طریقے ہیں, سروس کرنا یہ بھی طریقہ ہے, غلط نہیں ہے, لیکن تجارت کے مسائل کو, بزنس کے مسائل کو حدیث کے اندر, فقہ کی کتاب میں, قرآن کریم میں جتنا ڈیٹیل اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے, سروس کے مسائل کو اتنا ڈیٹیل اور تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا. تجارت کا لفظ قرآن میں بار بار آیا, اس کا مطلب ہے کہ سروس کرنا یہ بھی اچھی بات ہے بلا شک و شبہ, لیکن اگر کوئی تجارت کر رہا ہے تو وہ اپنا راجہ ہے, من کا راجہ ہے, جب چاہے بزنس کرے, جب چاہے بزنس بند کر کے چلہ میں چلا گیا, جماعت میں چلا گیا, مسجد میں ایک گھنٹہ زیادہ لگ جائے کوئی فکر نہیں, اپنی دکان ہے. سروس والے کو یہ چانس نہیں ملتا ہے. اسی لیے انبیاء کرام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر آپ حضرات دیکھیں گے تو یہ حضرات بھی عام طور پر کوئی نہ کوئی بپشا, کوئی نہ کوئی بزنس یا کوئی نہ کوئی کام کیا کرتے تھے. مثلا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بڑھی کا کام کرتے تھے, لکڑی سے انہوں نے کشتی بنائی تھی, جب طوفان آیا تو اسی کشتی پر وہ سوار ہوئے. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایک ٹیلر تھے, درجی گیری کرتے تھے, کپڑا سلائی کیا کرتے تھے. حضرت ہود, حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں تاجر تھے, بزنس مین تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کسان تھے, فارمر تھے, کھیتی گرستی کیا کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں پالتے تھے, قرآن نے بھی ان کا واقعہ بیان کیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہی کی بکریوں کو 10 سال تک چراتے رہے, 8 سال چرانے کا وعدہ تھا,
कि मैं अपनी लड़की से तुम्हारी शादी कर दूंगा, 8 साल बकरी चराना पड़ेगा। फिर बाद में 2 साल और बढ़ा दिया, 10 साल तक उन्होंने बकरियां चराई। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिजनेस किया, मुल्क शाम का सफर किया, बकरियां भी चराई। तो अक्सर अंबियाए किराम की जिंदगी को आप देखेंगे तो वो हजरात अपने हाथ की कमाई को खाते थे, किसी के पास जाकर भीख नहीं मांगते थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप हजरात को मैं मुबारकबादी पेश करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथ की कमाई खा रहे हैं, अपने हाथ से काम करके इनकम करके आप अपनी जिंदगी की जरूरत को पूरी कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबके कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत में खूब खूब तरक्की अता फरमाए। अब ये देखना है कि एक शख्स अगर माल कमाता है और अल्लाह ने तौफीक दी, कुछ बैंक बैलेंस कर लिया, कुछ कहीं पर पैसे किसी बिजनेस में लगा दिया, बहरहाल उनके पास दौलत हो गई, तो एक दौलतमंद, एक पैसे वाले इंसान पर अल्लाह की तरफ से क्या क्या फरीजा आई होता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने खास तौर पे मालदारों को क्या काम करने के लिए कहा है, चुनांचे पारा नंबर 20 है सूरह कसस। दुनिया में अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़ा मालदार हम और आप तो बिल गेट्स कहें, या अडानी अंबानी अपने मुल्क के हिसाब से कहें, या जिनको भी कहें, लेकिन इन हजरात के पास जितना माल है इनसे कहीं ज्यादा कारून का खजाना था। कारून के खजाने को अल्लाह ने कुरान में बयान किया और कहा कि उनके खजाने की जो चाबी थी, कुंजी थी, जिससे वो अपने खजाने को खोला करते थे, उन खजानों की कुंजियां मुकम्मल एक जमात मिलकर नहीं उठा सकती थी। एक जमात का मतलब 150 लोग अगर खजाने की चाबी को उठाते तो वो उठा नहीं सकते थे। लतनू बिल उस्वा कुरान में कहा, उस्वा के माने जमात, एक जमात के लिए चाबी को उठाना मुश्किल होता था। एक आदमी कम से कम 500 क्या 1000 किया, 2000 चाबी अगर एक बैग में रख दिया जाए तो हम और आप उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं? उठा सकते हैं। तो 2000 चाबी का मतलब है 2000 रूम या 2000 अलमीरा, और वो खजानों से भरा हुआ। इस तरह से कई लोग मिलकर चाबी नहीं उठा सकते थे। उसी कारून को, तफसील में जाने से बात लंबी होगी, उसी कारून को कुरान करीम में 4 नसीहत की गई थी। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा कि ये नसीहत सिर्फ कारून के लिए नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए है जिसको अल्लाह ने माल दिया है, हर उस शख्स के लिए जिसके पास माल है, उन सब के लिए ये नसीहत है। तो 4 नसीहत है, उन्हीं नसीहतों को मैंने कुरान करीम की तिलावत के दौरान पढ़कर सुनाया था। अल्लाह ने कहा वबतगी फीमा आताकल्लाहु अद्दारल आखिरा। मालदारों, जिनके पास माल है, जिनके पास दौलत है, उनका पहला काम यह है कि अपने माल के जरिया सिर्फ दुनिया के अपने लाइफ को स्टैंडर्ड बनाने की फिक्र नहीं करना है। दुनियावी जिंदगी अच्छी से अच्छी हो जाए, लाइफ स्टाइल हाई से हाई हो जाए, लग्जरी कार हो घर में, बेहतरीन बंगला हो, इसी तरीके से करोड़ों बैंक बैलेंस हो, हजारों हमारा शोरूम हो, सिर्फ यही नहीं, दुनिया में अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो आपका पहला काम यह है कि अपने उसी माल से आखिरत की जिंदगी संवारने की कोशिश करो, अपनी आखिरत को सही करने की कोशिश करो। वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा।
अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करके मस्जिद मदरसों में अगर वाकईतन कोई जरूरतमंद है उस पर खर्च करके, यहां तक के सबसे बेहतरीन सदका अगर आपका अपना करीबी कोई रिश्तेदार जरूरतमंद है, आपका भाई है, आपका चचा है, आपके मामू है, खालू है, इस तरह से करीबी रिश्तेदार अगर कोई मोहताज है, उनकी जरूरत को पूरा करके हम और आप अपनी आखिरत की जिंदगी को अच्छा से अच्छा, स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड बनाने की फिक्र करें। आदमी जब अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है, कुरान करीम के पारा नंबर 2 में अल्लाह ताला ने बतला दिया है कि मसलुल लदीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह कमसल हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। एक रुपया अगर कोई खर्चा करेगा अल्लाह के रास्ते में, एक रुपया अगर कोई खर्चा करेगा तो कम से कम 700 गुना उसको लाभ तो जरूर मिलेगा। हम और आप बीमा कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं इस लालच से कि मरने के वक्त हम चले जाएंगे हमारे बच्चे को इतना मिले। ये जायज नाजायज वो अपनी जगह पर, लेकिन मेरे भाइयों ये भी हम और आप सोचें कि ये जो हमारी जिंदगी है यही आखिरी जिंदगी नहीं है। हम और आप मुसलमान हैं, हमको आपको बचपन में पढ़ाया गया आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल कद्र खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसि बादल मौत ऐ अल्लाह मैंने ईमान लाया इस बात पर कि मरने के बाद दोबारा हमको जिंदा किया जाएगा। हमारा और आपका ईमान है, अकीदा है, इसके बगैर कोई मोमिन हो नहीं सकता। जैसे गैर मुस्लिम के यहाँ आवागमन का मसला है, एक आदमी मर जाता है तो दोबारा उसको उसके कर्म के हिसाब से दोबारा उसको जन्म दिया जाता है। ये इस्लाम नहीं करता है। आवागमन यानी मरा फिर जिंदा हुआ, फिर मरेगा फिर जिंदा होगा, नहीं, जब मर गए तो अब जिंदा जरूर होगा लेकिन इस दुनिया में नहीं आएगा, बल्कि इस दुनिया में जैसा कर्म किया था उसके हिसाब से अल्लाह बदला देगा, जन्नत या जहन्नम, जैसी करनी वैसी धरनी, ना मानो तो करके दे, जन्नत भी है दोजख भी है, ना मानो तो मर के दे। हम और आप पढ़ते हैं, बड़े बूढ़े भी पढ़ा करते थे इसको। तो खुलासा कलाम यह है कि मरने की बात एक जिंदगी आएगी, अच्छा अमल करेंगे जन्नत मिलेगी, खुदा ना खास्ता अगर बुरा अमल किया, गुनाह का काम किया, अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना दे, हो सकता है जहन्नम में जाना पड़ जाए। और जहन्नम की आग मेरे भाइयों दुनिया की आग के मुकाबले में कई गुना ज्यादा उसके अंदर गर्मी है, शिद्दत है, हरारत है। दुनिया की आग को हम और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहन्नम की आग को कहां बर्दाश्त करेंगे। जहन्नम की आग जिन चीजों से बुझती है उनमें से एक सदका खैरात है। आप अपने माल में से कुछ ऐसा फिक्स कीजिए, बल्कि मुझे कहने दीजिए, याद आया पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मुबल्लिग थे, मौला तारिक जमील साहब की मेहनत पर वो तबलीग में आए थे, जनाब जुनैद जमशेद साहब। यूट्यूब में उनके कितने सारे नात मिलते हैं, मेरा दिल बदल दे मशहूर नात सुनते हैं सब लोग। मेरी उनसे मुलाकात हुई 2006 के लास्ट और 2007 के शुरू में मक्के के अंदर। उसके बाद फिर एक मरतबा दुबई में मुलाकात हुई। जुनैद जमशेद साहब की कहानी आप लोगों को मालूम होगी कि वो कोई आलिम नहीं, कोई मुबल्लिग और दाई नहीं थे, बल्कि वो शख्स तो एक सिंगर था, गाना गाता था, बेहतरीन गाता था, और यूरोप में, फ्रांस में, अमेरिका में जगह जगह पर एक एक नाइट और एक एक रात में लाखों डॉलर उनको मिलता था, बहरहाल अल्लाह ने उनको तौफीक दी, गाने बजाने का माहौल छोड़ा, दावत और तबलीग के लाइन में आए। अल्लाह कभी आजमाइश भी लेता है,
आजमाता है, इम्तिहान और परीक्षा लेता है। वहां तो इतना इनकम था, यहां आने के बाद अब हराम तरीके तो सब छूट गए। उन्होंने कुछ तिजारत बिजनेस शुरू किया, लेकिन कभी तिजारत नहीं किया था, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। एक बहुत बड़े आलिम को उन्होंने खत लिखा कि हजरत अब मेरी ये सूरत हाल है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने उनको जवाब में लिखा या उनसे फोन पर बात की और पूछा कि तुम जो बिजनेस करते हो अकेला या तुम्हारा कोई पार्टनर भी है। कहा कि मेरा एक और पार्टनर है, हम दो आदमी मिलकर बिजनेस करते हैं। तो मौलाना ने कहा कि देखो देखो ऐसा है कि तुम आज से एक तीसरा पार्टनर भी बना लो, दो पार्टनर तो है ही, एक तीसरा पार्टनर भी बना लो। व्यवसाय बिजनेस करते हैं, आप लोग भी इसको सुनिए, अमल की कोशिश कीजिए। दो पार्टनर हो, एक तीसरा पार्टनर बना लो, और वो तीसरा पार्टनर कौन होगा? वो अल्लाह की जात होगी। अल्लाह को अपना पार्टनर बनाओ, और अल्लाह को पार्टनर बनाने का मतलब क्या है? 20-25-30-40% अल्लाह को देना नहीं, तुम अपने दिल में अज़्मे मुसम्मम कर लो, पक्का इरादा कर लो कि हम इनकम में जो हमारी आमदनी होगी उसमें से 1% या 0.5%, 2% जो भी तुम चाहो तय कर लो कि इतना परसेंट हम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करेंगे। और देखो जब तुम तय कर लोगे तो फिर बेईमानी मत करना, बेईमानी मत करना। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम 2% करो, 0.5% तय करो, मगर वो 0.5% फिर इनकम से निकालना पड़ेगा। जुनैद जमशेद साहब ने लिखा बयान किया कि मैंने पक्का इरादा कर लिया, और जिस दिन से मैंने ये इरादा किया कि अपनी इनकम में से आमदनी में से इतना परसेंट अल्लाह के रास्ते में खर्चा करूंगा, गरीब यतीम मिस्कीन मस्जिद मदरसा बीमार किसी गरीब के घर में शादी है उसमें खर्चा करूंगा, यकीन जानिए उस शख्स ने कहा कि उसके बाद अल्लाह ने मेरी तिजारत में इतना नफा दिया, इतना नफा दिया कि अगर मैं हाथ में मिट्टी ले लेता था तो सोने के दाम में मैं बेच लेता था, सोने के दाम में बेच लेता था। आपके सिलचर मधुरबंद में एक साहब है, हम जब 2019 में हज में गए, चौधरी साहब है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो हमारे साथ थे, और हज में कई मरतबा बातचीत इस तरह से हुई। जब वहां से वापस आए तो उन्होंने अपने इलाके में मुझको वाज के लिए बुलाया और मुझको कहा कि मौलाना साहब पर्सनल मुझको कुछ नसीहत कीजिए अपने घर में बैठकर। तो मैंने उनको यही कहा, माशाल्लाह उनका अच्छा कारोबार है। मैंने कहा नौजवानों कैसे कैसे लोग हैं, वो मुझसे भी कम उम्र का है, 8-9 साल का उनका एक लड़का है बस, और उनकी वाइफ है। उसने बताया कि मौलाना मैंने ये बयान सुना था, मैंने ये बयान जुनैद जमशेद का सुना था, तजर्बा करने वाले की बात मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने जिस दिन सुना उसी दिन से तय कर लिया कि 2% कितना 2% और इनकम का 2% नहीं बल्कि सेल का 2% जितना सेल होगा उसमें से 2% मैं अलग करके रख दूंगा, अलग करके रख दूंगा। उन्होंने कहा कि इसका लाभ और फायदा यह हुआ कि उसमें से 50 यानी के 1% आधा ये मैं गरीब यतीम मिस्कीन को दे देता हूं, मस्जिद मदरसे में दे देता हूं, और 1% जो अपने पास रहता है अल्हम्दुलिल्लाह हर साल उसी पैसे में से मेरा उमरा हो जाता है। कभी अपने साथ वाइफ को लेकर चला गया, कभी माँ को, कभी बहन को लेकर चला गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब आपके साथ हज में गया था वो भी गया, उनकी वाइफ भी गई, 4 साल उस वक्त उसके बच्चे की उम्र थी, बच्चे को लेकर गया, 3 आदमी उसी पैसे से हज में चले गए, हज भी हो गया, कोई परेशानी नहीं। तो ये तजर्बे की बात है, इसको करके देखने की कोशिश कीजिए, आजमाइए, इंशाल्लाह फायदा होगा। وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا,
दूसरी नसीहत कि दुनिया में आपका जो हिस्सा अल्लाह ने रख दिया है उसको मत छोड़ो, उसको मत भूलो। इसकी कई तफसीर है, एक आसान तफसीर मैं आपको बतला रहा हूं। अल्लाह ने जब इस दुनिया में हमको आपको भेजा तो हमारे खाने पीने का इंतजाम भी अल्लाह ने कर दिया। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जितनी भी मखलूक है, जितनी भी जानदार मखलूक है, सबके खाने की जिम्मेदारी, सब क्या खाएगा क्या पिएगा अल्लाह ने अपने जिम्मे ले रखी है। तो खाना तो मिलेगा, लेकिन मेरे भाइयों अब उसके लिए करना क्या है, होता क्या है जो मुझको बतलाना है। होता यह है कि जैसे मिसाल के तौर पे आप में से किसी की दुकान है और आपका जहां क्वार्टर है वहां से हाफ किलोमीटर दूर पर दुकान है, इत्तेफाक से दुकान खुलने का टाइम है 10 बजे और उस दिन सुबह से बारिश हो रही है, तो बदन में सुस्ती आ जाती है। आज दुकान खोलेंगे, कोई कस्टमर आएगा नहीं आएगा, ठंडा लग रहा है, कौन आएगा, चलो आज नहीं खोलते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम हमको ये नहीं सिखाता है। वला तंसा नसीबका मिना दुनिया, दुनिया में आपका हिस्सा रिजिक में से अल्लाह ने जो लिख दिया है उसको मत भूलो। आप अपना काम करो, दुकान खोलना आपका काम, कस्टमर भेजना अल्लाह का काम है, अल्लाह का काम है। बदन में सुस्ती नहीं लाना है। आप दूर दराज से यहां आए हैं हलाल कमाई के लिए, मामूली किसी वाकईतन अगर कोई बहाना है, कोई उज्र है, वो एक अलग बात है, लेकिन मामूली किसी उज्र और बहाने की बुनियाद पर ऑफिस नहीं जाएंगे, आज दुकान नहीं खोलेंगे, चलो आज फर्स्ट ईयर मनाने चलते हैं अपनी फैमिली के साथ और ये करेंगे इंजॉय वो करेंगे। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह ने जो लिख दिया है, अल्लाह ने जो आपके लिए मुकद्दर कर दिया है, आप उसको हासिल करने की कोशिश कीजिए। एक नबी थे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, वो नमाज पढ़ रहे थे, हो सकता है कि नफल इबादत कर रहे थे, नफल नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि उसी वक्त बारिश हुई, बारिश होना शुरू हुआ, पानी गिर रहा है, लेकिन आसमान से पानी की बारिश नहीं हो रही है, बल्कि आसमान से छोटे छोटे सोने और चांदी के टुकड़े की बारिश हो रही है। अल्लाह आसमान से चांदी का छोटा छोटा टुकड़ा गिरा रहा, और वो नमाज में है। मान लीजिए कि उनको 10 रकात पढ़नी थी, 2 रकात पे सलाम फेर दिया, 8 रकात और पढ़ना है। देखा, कह रहे हमारे घर में सोने की चांदी की बारिश हो रही है, 8 रकात उन्होंने कहा कि चलो हम बाद में पढ़ लेंगे, नफल इबादत है बाद में पढ़ लेंगे। बाद में जाकर वो सोने चांदी के टुकड़े को जमा करना शुरू कर दिया उन्होंने। अल्लाह ने कहा कि ए अय्यूब, तुम तो बड़े साबिर हो, सब्र करने वाले हो, ये तुमने क्या किया, नमाज छोड़ के और तुम सोने चांदी जमा करने के लिए आ गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, नमाज मेरी नफली इबादत, मैं उसको 5 मिनट बाद भी अदा कर लूंगा, लेकिन ये आपकी नेमत है, पता नहीं आप मुझसे किस अमल पर खुश होकर और अपनी नेमत आप मुझको दे रहे हैं। अगर इस नेमत से मैं मुंह मोड़ लेता हूं, इस नेमत से मैं पीछे हट जाता हूं, इसका मतलब ये होगा कि ए अल्लाह, मुझे आपके नेमत की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं आपकी नेमत आपकी रहमत का बड़ा ही मोहताज हूं। इससे क्या समझ में आता है, यही समझ में आता है, इसका नेगेटिव कोई मतलब ना ले कि मौलाना ने कह दिया कि नमाज छोड़कर पैसा कमाओ, नहीं, नफली इबादत कर रहे थे ऐसा कर लिया, लेकिन फर्ज जो नमाज है उसका जो टाइम है वो वक्त पर पढ़ना, इसका ये मतलब नहीं जो कोई अगर नेगेटिव लेता है। बहरहाल, वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दूसरी नसीहत हो गई मुख्तसर। तीसरी नसीहत, वअहसिन कमा अहसनल्लाहु अलैक, और अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, तुम भी दूसरों पर एहसान करो। अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, तुम भी दूसरों पर एहसान करो। अल्लाह ने क्या एहसान किया, एक वक्त था
आप अपने गांव में थे, मिसाल के तौर पे आप अपने गांव में थे, कोई व्यवसाय बानी बिजनेस तिजारत नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, टेंशन ही टेंशन। फिर कोई भाई आपका, कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड दोस्त यहां से घर गया, मुलाकात हुई, भाई कैसे चल रहा है, हालत बहुत खराब है, बहुत बुरा हाल है, खाने को लाले पड़ रहे हैं, एक एक पैसे का मैं मुहताज हूं। आपके दोस्त ने आपको मशवरा दिया और आपको लेकर यहां आ गए, यहां आ गए। आपकी जिंदगी गुर्बत की जिंदगी चल रही थी, यहां आए, हल्का फुल्का बिजनेस कारोबार काम धंधा शुरू किया, हल्का फुल्का, पता नहीं सक्सेस होगा नहीं होगा, कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मस्जिद ज्यादा आते थे, नमाजें ज्यादा पढ़ते थे, इशराक पढ़ते थे, चाश्त पढ़ते थे, अव्वाबीन पढ़ते थे, रो रो कर दुआएं करते थे, इमाम साहब को दुआ के लिए कहते थे, कोई हाजी साहब मिल गया उनको दुआ के लिए कहते थे कि मैं नया नया आया हूँ, नया नया बिजनेस शुरू किया हूँ, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कैपिटल ही चला जाए, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे व्यवसाय में बिजनेस में तिजारत में लाभ और नफा पहुंचाए। आपके लिए सबने दुआएं की, सबने दुआएं की, अल्लाह ही जानता है किसकी दुआ अल्लाह ने कबूल की, और अल्हम्दुलिल्लाह आप यहां थे और वहां पहुंच गए। आप एक एक रुपये का मोहताज थे, अल्लाह ने आपको करोड़ों का मालिक बना दिया। अब क्या हुआ, जब इतने पैसे आ गए, अरे अरे भाई आपको अब नमाज में नहीं देखता हूं, नमाज में नहीं देखता हूं, मौलाना साहब क्या बताऊं, फुर्सत ही नहीं मिलती है, फुर्सत ही नहीं मिलती है, इतना धंधा बढ़ गया, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला थोड़ा मैं सेटल मतलब सेट कर लूं, उसके बाद मैं मस्जिद आना शुरू कर दूंगा। ऐसा शख्स जिंदगी में कभी सेट नहीं हो सकता, याद रखिए, ऐसा शख्स कभी सेट नहीं हो सकता। कल वो इमाम साहब से दुआएं कराता था, किसी मुरब्बी को देखकर दाढ़ी सफेद है, इनकी नेकी ज्यादा है ये सोचकर कि ये अल्लाह का महबूब बंदा है, उनसे दुआएं कराता था, मां की दुआएं लेता था, बाप से दुआएं लेता था, आज जब करोड़ों का मालिक हो गया, कौन होता है इमाम साहब, मैं सलाम करूं, इमाम साहब अपने कीरों को मालिम, आप कैसे आलिम है, कैसे इमाम है, बताइए आप सलाम भी नहीं करते हैं, हाजी साहब अरे आप हज इसीलिए किए थे, आप सलाम भी नहीं करते हैं, हम सलाम करते थे कल तक, अब थोड़ा सा क्या पैसा आया और उसके बाद तकब्बुर सवार हुआ, अब किसी की कोई हैसियत नहीं, हम सबसे बड़े हो गए। मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللہ نے تم پر احسان کیا، اب تم دوسروں پر احسان کرو، دوسروں پر احسان۔ ایک شخص نے تمہارا ہاتھ پکڑا، سہارا دیا، تم کو تمہارے گاؤں سے اوکھا تک پہنچایا، اب تم بھی کسی کو اپنی پوزیشن تک پہنچانے کی فکر کرو۔ किसी गरीब को सहारा देने की, किसी मरीज के इलाज कराने की, किसी गरीब बच्ची के शादी का खर्चा देने की, गरीब बच्चा अच्छा है पढ़ने में, बेचारे के पास, बेचारे के माँ बाप के पास पैसे नहीं है, आप उनको आगे पढ़ाने के लिए जो खर्चा दे सकते हैं हद तक इम्कान दीजिए। एक बेहतरीन समाज बनाइए, मस्जिद मदरसे का ख्याल रखिए, वरना मेरे भाइयों जिस अल्लाह ने जमीन से उठाया आसमान पर पहुंचाया, वही अल्लाह अगर नाराज हो जाए, नाराज हो जाए तो वही अल्लाह आसमान से फिर जमीन पर पहुंचा देगा, और दोबारा जब आप गरीब बनेंगे आपकी हालत खराब होगी तो ज्यादा कष्ट और परेशानी होगी। अगर शुरू में गरीब तो उसी हिसाब से आदमी जिंदगी गुजारता है, लेकिन टका पैसा दिया अल्लाह ने, माल दौलत दिया, तो अब जरा सा स्टैंडर्ड लाइफ हो गया और खुशहाल रहने लगे, अच्छा से अच्छा खाना, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनना,
अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर दोबारा आपकी हालत खराब हो जाएगी तो फिर कष्ट और परेशानी ज्यादा होगी। इसलिए वह अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया तुम दूसरों पर एहसान करो, अगर दूसरों पर एहसान करोगे तो करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर। किसी शायर ने कहा करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अरशे बरी पर। अगर तुमने यहां मेहरबानी की, तुमने यहां एहसान का मामला किया, तुमने यहां गरीबों की गुर्बत को दूर करने की कोशिश की, प्लान बनाया, खुदा की कसम अल्लाह का घर है, अल्लाह कयामत के दिन आपका सहारा बनेगा, अल्लाह आपके साथ मेहरबानी का मामला करेगा। और अगर यहां आकर क्या हो गए, मालदारी के गुरूर में आ गए, टाका पैसा की घमंड और तकब्बुर इतना सवार हुआ कि अब ये समझने लगे कि हम जैसा कोई नहीं, अरे किसी की दुआ से नहीं हुआ, ये तो हमारा आइडिया काम किया, हमारा दिमाग काम किया। कुछ लोग कहते हैं मेरे भाइयों आपके पास जो दिमाग है, एक गरीब के पास एक प्लास्टिक का बोतल जो लोग चुनकर बेचते हैं उसके पास भी दिमाग है। अल्लाह ने आपको आपके दिमाग को थोड़ा सा रास्ता दिखला दिया और शायद उस बेचारे के दिमाग को वो रास्ता नहीं मिल पाया। तो वही कारून जब उसने अल्लाह की नाशुकरी की और अल्लाह के बंदों पर जुल्म किया, अपने पैसे पर उसको गुरूर हुआ, तो अल्लाह ने कारून को क्या किया, जमीन में धसा दिया, तबाहो बर्बाद कर दिया। तो वह अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, तीसरी नसीहत हुई क्या, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, अपने पैसे से दुनिया की जरूरत को पूरा करने के साथ साथ आखिरत के लिए भी कुछ पैसा खर्चा करना है, वहां भी अपना घर बनाने की फिक्र करनी है, जन्नत में भी बेहतरीन महल तामीर कराने की फिक्र करनी है। वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, नंबर एक, वला तंसा नसीबका मिनत दुनिया, अल्लाह ने दुनिया में हमारी किस्मत में जो लिखा है उसको भी हासिल करने की कोशिश करना है, उसमें कोताही और गफलत सुस्ती नहीं करना है। नंबर तीन, अल्लाह ने हमारे साथ एहसान का मामला किया, अल्लाह ने हमारे साथ रहम का मामला किया, हम दूसरे लोगों के साथ रहम का मामला और एहसान का मामला करेंगे। तीसरी बात, चौथी और आखिरी नसीहत जो अल्लाह ने कुरान करीम में कानून को की गई है वो ये है, वला तबदिल फसाद फिल अर्द। मेरे नौजवानों, खास तौर पर ये आखिरी नसीहत कि ऐ मालदारों, ऐ माल वालों, ऐ टाका पैसा वालों, जमीन में फितना फसाद मत मचाओ, जमीन में लड़ाई झगड़ा फितना फसाद दंगा मत करो। मालदार और फितना फसाद का क्या मतलब, मालदार लोग तो बुजदिल होते हैं, मालदार लोग क्या होते हैं, बुजदिल होते हैं, कहीं अगर कुछ हो गया कॉमनल कहीं पर, अल्लाह ना करे कुछ हो गया, तो सबसे ज्यादा जो दूर रहेगा, जिसके पास जितना माल रहेगा वो उतना घर के अंदर छुप कर रहेगा, वो किसी मीटिंग में नहीं जाएगा, जाएंगे तो हमारा तिजारत का मसला है। लेकिन अल्लाह कह रहा है वला तबगिल फसाद फिल अर्ज, इसका मतलब यह है, उदाहरण देकर मैं समझाऊं कि एक शख्स गरीब था, ओखा की मस्जिद कमेटी है, 10-20-100-150 जितने भी लोग हैं, हर कमेटी की एक मुद्दत और एक टाइम फिक्स होता है, 3-5 साल जो भी हो, जितने दिन के लिए भी हो। अब एक शख्स गरीब था, अगर कभी मस्जिद कमेटी की मीटिंग होती थी तो वो कोने में आकर बैठता था, सबकी बात को सुनता था, बेचारा कुछ नहीं बोलता था, मैं गरीब आदमी हूं क्या बोलूंगा, उतना दिमाग में काम नहीं करता है। अब थोड़ा सा टाका पैसा हुआ, थोड़ा सा इनकम हुआ, अल्लाह ने उन पर एहसान किया, अब वो क्या करेगा, अगर उसके पास कुछ बैंक बैलेंस हो जाए, लाइफ अगर स्टैंडर्ड हो जाए, तो अब सेक्रेटरी साहब अच्छे हैं, प्रेसिडेंट साहब अच्छे हैं, इमाम साहब अच्छे हैं, लेकिन उनको तो अब फितना लगाना है,
फितना लगाना है, वो क्या करेगा, वो 10 दोस्तों के पास जाएगा। अरे भाई इतना पैसा मस्जिद का आता है, कहां जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। ये जो प्रेसिडेंट है, इतने दिन से प्रेसिडेंट है, नौज बिल्ला मैं आपकी मस्जिद का नहीं कह रहा हूं, कहीं प्रेसिडेंट साहब ये ना समझ ले कि मैं उनके बारे में कह रहा हूं, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो इतना दिन से पैसा कहां जा रहा है, सिक्रेटरी साहब कोई काम ही नहीं कराते, केशियर साहब कभी हिसाब देने के लिए तैयार ही नहीं होते, और ये क्या इमाम साहब है, ये तो वाला वालीन पढ़ता, वाला दालीन, आपके कछाड़ का सबसे इख्तलाफी मसला। बरात बेली में एक जमाना था, जाद को लेकर कितने झगड़े हुए, कितने घरों में तलाक हो गए। मैं तुम्हें गया, एक शेख साहब ने दावत की थी रमजान में, इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज पढ़ाई, और जैसे पढ़ना चाहिए वैसे मैंने पढ़ा। तो एक बिल्कुल यंग लड़का, एकदम यंग लड़का, उसने कहा कि मौलाना ये वाला वालीन है या वाला दालीन है। मैंने कहा आपका घर क्या बरातवेली में क्या है, ऐसे कहा बरातवेली में क्या, कह नहीं मेरा घर तो डबका में है। मैं कहा नहीं, बरातवेली में जरूर कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो अब वो इमाम साहब गलत पढ़ाते हैं, इमाम साहब का पढ़ना ठीक नहीं है, इमाम साहब खत्म में जाते हैं तो इमाम साहब झाड़ फूक करते हैं, इमाम साहब ये करते हैं। वो अब कैंपिंग करता है, कैंपिंग करता है, 10-20 नौजवान को कुछ खिला दिया, गुटखा उटका ही खिला दिया, बिक गए वो, और उसके बाद मीटिंग का डेट निकालता है, जुम्मा के दिन खड़ा होगा, भाई मस्जिद कमेटी की फला दिन मीटिंग होनी चाहिए, और वो तो पहले से एक तैयार करके आया है, और उसके बाद वो आपके भाषा में हुलस्तूल करेगा, शोर हंगामा, मस्जिद को मस्जिद नहीं समझेगा, बस किसी न किसी तरह मुझको ओहदा चाहिए, किसी न किसी तरह मुझको प्रेसिडेंट बनना, ये है वला तबगिल फसाद फिल अर्ज। थोड़ा सा पैसा हुआ कि कजिया फितना फसाद पैदा करके और अपने को ओहदे के लिए तैयार करना, ओहदे के लिए पेश करना, और अपने पास ही ओहदे को लाना, ये है वला तबगिल फसाद फिल अर्ज। अल्लाह ने अगर माल दिया है तो उस माल को लोगों के फितने खत्म करने में खर्च करो, लोगों के इत्तेफाक इत्तेहाद मेल मोहब्बत को खत्म करके फितना पैदा करने में अपना पैसा खर्चा मत करो। मुसलमानों इस वक्त पराय प्रत्येकता समाजों एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा मसला है मुसलमानों में, आपस में इख्तलाफ, आपस में इख्तलाफ। एक तरफ से आप देखते चले आइए, जमीयत उलमा एक दो हो गया, तबलीगी जमात एक दो हो गया, मदारिसुल सहारनपुर बहुत मशहूर मदरसा एक दो हो गया, आपके आसाम में अब भी तंजीम मदरसा वगैरह कुछ कुछ चल रहा है, आप लोगों को खबर मिली होगी। तो ये तो बड़े बड़े इदारे, और उसके बाद हर समाज में कुछ नेगेटिव सोच रखने वाले ऐसे होते हैं कि वो अच्छे काम में भी नुक्ता निकालेगा, उसके अंदर भी कितना पैदा करेगा। मेरे नौजवानों एक बात याद रख लो, जिस समाज के अंदर फितना फसाद होता है, कजिया लड़ाई झगड़ा इख्तलाफ होता है, अल्लाह ताला उन लोगों की दुआ को कबूल नहीं करता, अल्लाह उनकी दुआ को कबूल नहीं करता। आज मुसलमान इतना परेशान, पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान, खास तौर पे इंडिया में, आसाम में कितना परेशान, डेली के डेली दुआएं हो रही है, बड़े लोग बाज़ाब्ता आलिम उलमा मुत्तकी परहेजगार को पैसे देकर उमरा के लिए भेजते हैं कि तुम लोग वहां जाकर सिर्फ दुआ करना, लेकिन पता नहीं ऐसा लग रहा है कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं कर रहा, बताकर ये लग रहा है। उसका एक मेन कारण है मुसलमानों का आपसी इख्तलाफ। हम दुआ करते हैं कि आप लोग मुख्तलिफ इलाकों से आकर यहां हैं, अल्लाह न करे आप लोगों में कभी भी किसी तरह का कोई इख्तलाफ पैदा मत होने दीजिए। आप इतने हैं और यहां जो लोग लोकल है वो इतने हैं, आपस में अगर आप इख्तलाफ करेंगे, मुत्तहिद हो तो बदल डालो नजामे गुलशन,
एक शायर ने कहा, अगर मिलकर रहोगे तो दुनिया का सिस्टम तुम बदल सकते हो, मुत्तहिद हो तो बदल डालो नजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। जब कितना फसाद होता है, वो इधर उसकी डेढ़ ईंट की मस्जिद, उसकी ढाई ईंट की मस्जिद, सब जब इस तरह से कितना फसाद पैदा करता है तो समझ लीजिए कि उस कौम की बर्बादी का वक्त आ गया। हदीस में आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे तबूक में, तबूक के युद्धों में जा रहे हैं, आपकी जिंदगी का लाइफ का सबसे अंतिम युद्ध है, और कहां जाना था, मुल्क शाम सीरिया, 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर, बहुत सख्त गर्मी का जमाना, ऐलान हो गया, सारे के सारे लोग जो जाने वाले थे जमा हो गए, लोगों ने जितना चंदा देना था दिया। उसी मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने घर का सारा सामान लाकर दे दिया था, वो जो मशहूर वाकया है, झाड़ू तक लाकर दे दिया था, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आधा सामान दिया था। खैर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी आपके सामने, सहाबा कहां जा रहे हैं, युद्धों के लिए जा रहे हैं। सहाबा में वो 10 सहाबा भी होंगे जिनको दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी। आपके साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम होंगे, फरिश्ते होंगे। इतनी मुबारक मजलिस है, इतना मुबारक मकसद है, आपने कहा कि मेरे सहाबा अब तो निकलना है युद्धों के लिए जाना है, लेकिन जाने से पहले अल्लाह के यहाँ अप्रूव करवा लेते हैं, मंजूर करवा लेते हैं, मैं दुआ करूंगा मेरे सहाबा तुम लोग आमीन करना। लेकिन ये बात आप लोगों को सुनना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी दुआ कबूल उस वक्त तक नहीं होगी जब तक के हम सब जितने मजलिस में हैं, हम लोगों का सीना कीना बोझ हसद नफरत अदावत दुश्मनी इन चीजों से पाक ना हो जाए। अगर मजलिस में कोई ऐसा आदमी है कि किसी के साथ झगड़ा हुआ था, नफरत उसके दिल में है, तो अपने दिल को पाक साफ करो, दुश्मनी खत्म करो, फिर दुआ कबूल होगी, वरना दुआ कबूल नहीं होगी। ये कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजलिस में 2 सहाबी खड़े होते हैं, एक साइड में खड़े होते हैं। सहाबा का जमाना था, दोनों मजलिस से निकलकर कुछ दूर चले गए और जाकर दोनों ने मुसाफा किया, हाथ मिलाया। हर कोई कहता है भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने गुस्ताखी कर ली, गलती मेरी तरफ से थी, अल्लाह के वास्ते माफ कर दो, आपने कुछ नहीं किया था, मैंने बहुत गलत कर दिया था। दूसरा कह रहे हैं नहीं नहीं भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपकी गलती नहीं हो सकती, गलती मुझसे हुई थी, मुझको आप माफ कर दीजिए। दोनों सहाबी ने एक दूसरे से माफी मांगी, एक दूसरे को माफ किया, जरूरत पड़ी होगी गला मिलाया, मुसाफा किया, जो कुछ करना था किया, लौट कर मजलिस में आए, आकर कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बीच थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया था, जिंदगी है दुनिया है, मिसाल देते हैं, एक घर में चंद बर्तन हो, आवाज होती है, हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं हो सकती, घर में 2 लड़का है, दोनों लड़के का मिजाज बराबर नहीं हो सकता, शौहर और बीवी एक साथ जिंदगी गुजारते हैं लेकिन दोनों के मिजाज बराबर हो जाए ये कोई जरूरी नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां 11 बीवियां लेकिन सबका मिजाज अलग अलग था, इंसान है अलग अलग मिजाज लेकर आए हैं। तो उन दोनों ने कहा कि हम दोनों का आपस में थोड़ा सा झगड़ा फितना हो गया था, कुछ हो गया था और दिल में थोड़ी सी एक दुश्मनी आ गई थी, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने उस दुश्मनी को खत्म कर ली, आज हमने अपने सीने को पाक कर लिया, अब आप दुआ के लिए हाथ उठाइए, हम लोग आमीन करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाया, सहाबे किराम ने आमीन कहा, लिखने वालों ने लिखा, आज तक किताबों में लिखा हुआ है कि 100% से ज्यादा अल्लाह ने दुआ को कबूल किया। मुसलमानों आपस का फितना फसाद तजिया खत्म करो, कोई भाई आगे बढ़ रहा है आप भी आगे बढ़ने की कोशिश करो, लेकिन होता क्या है हम मुसलमानों का, हमको आगे बढ़ने की जितना चिंता नहीं है उससे ज्यादा चिंता इस बात की है कि वो कैसे नीचे आएगा,
वो क्यों आगे बढ़ रहा है, क्यों आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ एक मास्टर साहब थे, इंतकाल कर गए, इस पढ़े हुए थे मदरसे के स्कूल में पढ़ाते थे। वो सुनाते थे कि मौलाना साहब एक गांव में हर आदमी का घर बाड़ी था और एक शख्स था उसका कच्चा मकान बांस बेड़ का मकान था। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया, कह रहे भाई सबको तो अल्लाह ही देता है, चलो आज दुआ करते हैं, सलातुल तौबा सलातुल हाजत पढ़ उड़ के जो भी हो। उसने दुआ किया, अल्लाह अगर आप मुझको दे देंगे तो आपके खजाने में क्या कमी आएगी, मुझको भी दीजिए, सबका अच्छा घर है, मेरा खराब अच्छा नहीं लगता। तो गैब से आवाज आई कि तुम्हारी दुआ कबूल, लेकिन तुमको जितना दूंगा दूसरे लोगों को उसका डबल दूंगा, तुमको जितना दूंगा दूसरे लोगों को उसका डबल दूंगा। उस गरीब ने कहा अल्लाह दूसरे को आप जितना दें लेकिन हमको दीजिए। तो अल्लाह ने उनके कारोबार में बरकत दी, पहले बांस बेड़ का घर था आसाम टाइप का घर बना लिया, दूसरे लोगों का घर आसाम टाइप का था आरसीसी बिल्डिंग बन गई। इसने कहा रे पहले भी मैं नीचे था अभी भी मैं नीचे हूं, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। इसकी आरसीसी बिल्डिंग बनी, उन लोगों का बेहतरीन बंगला बन गया, इसके पास मारुति 800 दूसरे के पास इनोवा हो गई। एक मिसाल, अब तो ये परेशान कि मेरी कैसी दुआ कबूल हुई। अब क्या किया, दिमाग लगाया, अब दिमाग लगाया और उसने दुआ के लिए हाथ उठाया, ऐ अल्लाह आपने तो कहा है कि मुझको जितना देंगे दूसरे लोगों को उसका डबल देंगे। ऐ अल्लाह मेरे पास दो आंख है, देखने के लिए एक आंख काफी है, आप मेरी एक आंख ले लीजिए ताकि इन लोगों की दोनों आंख चली जाए। समझ रहे हैं? ये है हमारी हालत, ये है हमारी हालत। मेरे भाइयों वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है, वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है। बहरहाल ये चार नसीहत थी जिसको मैंने आप लोगों के सामने बयान किया। हदीस में इसी बात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा दूसरे अंदाज में बयान किया है कि अगर किसी को जन्नत में जाना है, जन्नत में जाने वाले बहुत सारे आमाल हैं, तीन अमल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। नंबर एक, मन अकल तय्यिबा, जो शख्स हलाल खाएगा, हलाल रोजी, हलाल रिज़्क, हलाल आमदनी की फिकर और चिंता करेगा और हलाल रोजी ही खाएगा, वह अमिल फी सुन्नतिन, और सुन्नत पर अमल करेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल। हमारे मदरसे के शेखुल हदीस साहब, उन्होंने आज अभी मैं यहां आ गया तो उसके बाद आज से 3-4 साल पहले हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत सबसे बड़े मुहद्दिस उस वक्त जो दुनिया में थे, हजरत मौलाना शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, मदाहनुम के शेखुल हदीस थे। शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फ़ज़ाइले आमाल जिनकी तालीम होती है हमारी मस्जिदों में, उनके खास स्टूडेंट थे। उनके एक दोस्त ने, वो भी अल्लाह वाले थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने आकर कहा कि हजरत आप हदीस पढ़ाते हैं, आप मेरे लिए दुआ कीजिए, ऐसा लगता है कि अल्लाह मुझसे नाराज हो गया, अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है। तो मौलाना ने कहा कि अरे भाई अगर मैं आलिम हूं तो तुम भी तो आलिम हो, तुम दुआ कर लो। नहीं नहीं हजरत, आप हदीस पढ़ाते हैं और आप बुखारी शरीफ का दर्स देते हैं, प्लीज आप मेरे लिए दुआ कीजिए या कुछ नसीहत कर दीजिए। हजरत ने कहा जब तुम कह रहे हो तो तुमसे मेरी दो नसीहत है। मुसलमानों कितनी नसीहत, दो नसीहत। नंबर एक, तुम कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो, जितना ज्यादा दुरूद पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद दुरूद इब्राहिम वो पढ़ो, नहीं होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर ये भी दुरूद है, जितना बेसी से बेसी हो सकता है दुरूद शरीफ पढ़ो। दूसरा काम किया, एक एक सुन्नत को तलाश कर करके उस पर अमल करो। प्यास नहीं लगी है, मुझे सुन्नत पर अमल करना है, पानी लो बैठ कर पियो, ये सोचकर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर पानी पीते थे, तीन सांस में पानी पियो ये सोचकर कि नबी की सुन्नत थी तीन सांस में पानी पीना, एक एक सुन्नत पर अमल करो। वो भी बुजुर्ग थे, आलिम थे, चले गए। एक महीने के बाद वापस आए, नौजवानों समझ रहे हैं या नहीं,
एक महीने के बाद वापस आए और आकर कहा कि हजरत अल्लाह मुझसे राजी हो गया। क्या कहा? अल्लाह मुझसे राजी हो गया। अरे तुम कहीं पागल तो नहीं? अल्लाह राजी हो गया, तुमको कैसे पता चला? अल्लाह किससे राजी है, किससे नाराज, ये कैसे पता चलेगा? तुमको कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा कि असल में एक महीना पहले जब मैं आपके पास आया था, मैं नमाज पढ़ता था, दिल नहीं लगता था, तिलावत करता था, दिल नहीं लगता था, और जिक्र करता था, दिल नहीं लगता था, कोई भी नेकी के काम में तबीयत नहीं लगती थी। ये दो काम जो आपने बतलाया, दोनों काम मैंने किया, अब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ता हूँ दिल लगता है, तिलावत करता हूँ दिल लगता है। इसका मतलब है कि पहले अल्लाह राजी नहीं था, इसलिए मेरा दिल उचाट रहता था, इबादत में तबीयत नहीं लगती थी, अब अल्लाह राजी हो गया इसलिए मुझको नेकी के काम में तबीयत लगती है, तबीयत लगती है। तो वह अमीला फी सुन्नति, तीसरा काम, ये मेरी मेरे बयान की आखिरी बात, तीसरा काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह अमीना नास बवाइकहू, लोग उनकी तकलीफों से महफूज रहे, लोग उनकी परेशानियों से, उनकी मुसीबतों से महफूज रहे। यानी आप अपने हाथ से, अपने पैर से, अपनी जबान से, अपने दिमाग से, अपने किसी भी हरकत, किसी भी अमल से दूसरे को तकलीफ न दीजिए। तीन काम कीजिए, नंबर एक हलाल खाइए, नंबर दो सुन्नत पर अमल करने की पूरी कोशिश कीजिए, और नंबर तीन हम अपनी जात से किसी को तकलीफ ना दें। खास तौर पे जहां आप हजरात रहते हैं, यहां पर मुस्लिम, गैर मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी है, खुसूसन गैर मुस्लिम, हमारे किसी हरकत से उसको तकलीफ ना पहुंचे। मुसलमानों से तकलीफ कब पहुंचती है? मुसलमानों के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, अब उनके बच्चे घर में रहेंगे, बगल में एक क्रिश्चियन का घर है, बच्चे बच्चे में दोस्ती हो गई, ये खेलेगा उसका बच्चा भी खेलने के लिए आएगा, उसके माँ बाप को गोया के आपसे तकलीफ पहुंची, ये भी तकलीफ पहुंचना है। मुसलमान है आम तौर पे, मुसलमान के मोहल्ले के आसपास का जो एरिया होता है गंदा, दूसरे लोग साफ रहें या ना रहें, लेकिन मुसलमानों आप अपने घर को, मोहल्ले को, आसपास की जगह को साफ रखिए। मुसलमानों आपका जो ड्रेस है ये साफ रहे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं एक हफ्ता तक एक बनियान पहने हुए, ठंडी में तो कुछ नहीं, गर्मी के सीजन में बदबू आ रही है, हमको आपको एहसास नहीं होगा, बगल वाले को एहसास होगा, ये भी तकलीफ पहुंचाना है। तो किसी भी तरीके से हमारा, हमारी आदत है नमाज पढ़ने के लिए आए, बाइक रास्ते में खड़ा कर दिए, ये भी तकलीफ पहुंचाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तीन अमल बयान किया, नंबर एक हलाल खाओ, सुन्नत पर अमल करो, नंबर तीन अपनी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचाओ, गारंटी है जन्नत में तुम्हारा घर बनेगा ठिकाना। बातें बहुत हो गई और बड़ी दिलजमी के साथ आप लोग सुन रहे हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरी बात के बीच में